people have a problem in English, some people have a problem in Hindi. Before that, one important announcement. Somebody asked me, आपके आर्ट एंड कल्चर के नोट्स प्रीलिम्स के लिए रिलेवेंट है या मेंस के लिए, और कुछ और चीज पढ़ने की जरूरत है क्या? तो अकॉर्डिंग टू मी, इफ यू हैव दिस नोट्स विथ यू फॉर आर्ट एंड कल्चर पोर्शंस रिलेटेड टू प्रीलिम्स ऑल्सो एंड मेन्स ऑल्सो, यू डोंट हैव टू नीड एनी अदर रिसोर्सेज टू बी फॉलोड. मीन्स दीज नोट्स आर मोर देन इनफ फॉर प्रीलिम्स एज वेल एज मेन्स फॉर आर्ट एंड कल्चर सेक्शन. 300 पेजेस के PDF नोट्स है, और जनरल स्टडीज के जो 400 पेज नोट्स है, दैट नोट्स आर ओनली फॉर प्रीलिम्स ओरिएंटेड बिकॉज दैट आर ऑल सब्जेक्ट्स प्रीलिम्स. एंड आर्ट एंड कल्चर 300 पेजेस आर फॉर मेन्स प्लस मीन्स प्रीलिम्स ऑल्सो इट इज सफिशियंट, एंड फॉर मेन्स ऑल्सो नथिंग विल कम आउट ऑफ दोज नोट्स बिकॉज वन और टू क्वेश्चन विल कम फ्रॉम आर्ट एंड कल्चर इन मेन्स, एंड दैट नोट्स आर सफिशियंट फॉर मेन्स ऑल्सो. सो हुएवर हैव नॉट येट परचेस्ड कैन गो अहेड. सो फर्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34. Recently, a series of uprising of people referred to as Arab Spring originally started from. So it was a current affairs question that time, and there is no logic in this question. Tunisia is the answer. Therefore, I don't have any logic. But you should know what is Arab Spring is and what is ongoing nowadays. So in my notes, you can find the mention of Arab Spring definitely. What was it, what was its history, and what is ongoing in 2020s. So like that, it is relevant today also, but relevance is different than 2014 question paper. So they may ask about Arab Spring, but in different domain and different this thing. So इसलिए आपको अरब स्प्रिंग के बारे में बस पढ़ना पड़ेगा नोट्स में या विकिपीडिया से सर्च करके. अदरवाइज दिस क्वेश्चन इज नॉट दैट मच, मतलब ये कोर करंट अफेयर्स का क्वेश्चन होता है. दिस इज कोर करंट अफेयर्स क्वेश्चन, देर इज नो लॉजिक इन दिस. क्वेश्चन नंबर 35. कंसिडर द फॉलोइंग कंट्रीज एंड फाइव कंट्रीज, नेम्स ऑफ फाइव कंट्रीज आर गिवन एंड विच ऑफ द अबव आर द मेंबर्स ऑफ आर्टिक काउंसिल. सी आर्टिक काउंसिल को मैंने डार्क अंडरलाइन किया है, अंडरलाइंड आर्टिक काउंसिल इन डार्क पेन. सो आई हैव ऑलरेडी रिटन समथिंग रिलेटेड टू आर्टिक काउंसिल इन माई नोट्स. आपको मेरे नोट्स में आर्टिक काउंसिल के बारे में चार पांच पॉइंट देखने को मिलेंगे. मेंबर्स क्या है, व्हाट आर हु आर द मेंबर्स, वेयर इट इज, मींस व्हाट इज एक्चुअली द आर्टिक काउंसिल, व्हाट इज इट्स एक्चुअल मोटो एंड मिशन, एंड व्हाट इज इट्स पर्पस, वो किसके लिए है, ऐसा ऑलरेडी मेरे नोट्स में है. एंड स्टिल आर्टिक मतलब कि नॉर्थ में आता है, राइट. और कौन कौन से कंट्रीज है, तो जो भी आर्टिक ओशन को जो भी टच करने वाले कंट्री है, whoever country's border is touching with Arctic ocean, that country is coming in Arctic Council. So just by eliminating Japan, because Japan is in the Pacific Ocean, right? So Japan, it is not in Arctic. तो उतना ही second option Japan eliminate करके आप A and B eliminate कर पाओगे. A and B are eliminated because of Japan. So बचा कौन सा, 1, 4, and 5, 1, 3, and 5. मतलब कि 1 and 5 is already there. Denmark and United States of America is already there because in C and D दोनों में है. तो बचा कौन सा, Russian Federation and United Kingdom. अभी देखो, हमें इतना भी बारीकी से अगर मैं आप नहीं पढ़ाए तो इतना तो पता होता है कि Russia is definitely touching the Arctic Ocean, and उसी से आपका आंसर बन जाता है D option, because D option there is Russia. So by knowing Japan and Russia only you can get the answer of this question correct. फिर भी आपको आर्टिक काउंसिल के बारे में नोट्स में अच्छे से डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा. क्वेश्चन नंबर 36. कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स रीजन ऑफन इन द न्यूज एंड कंट्री, रीजन के और कंट्री के नाम शेयर किए. तो देखो 34 क्वेश्चन में जो जो कंट्रीज आए, इजिप्ट, बी में लेबानोन, सी में सीरिया, डी में तुनिशिया, तो मैं क्या करता हूँ, वट आई डू इन माई नोट्स, इन कंट्रीज़ के बारे में एटलीस्ट थोड़ा सा मेरे नोट्स में लिख लेता हूँ, और ये कंट्रीज़ कहाँ पे है एक्चुअली, वेयर आर दिस कंट्रीज़, ये मुझे मैं पता कर लेता हूँ, ताकि इन नेक्स्ट ईयर्स द क्वेश्चंस विल कम अबाउट दिस कंट्रीज़ ओनली. द कंट्रीज़ जो कंट्रीज़ ऑलरेडी क्वेश्चन पेपर्स में मेंशन है, उन्हीं के बारे में मैप में क्वेश्चन आते हैं. एक ट्रिक आपको याद रखना है, तो दिस इज एक्चुअली द ट्रिक टू गेट मैक्सिमम मार्क्स इन प्रीलिम्स. आप पूरा एटलास तो यू कैनॉट रिमेंबर फुल एटलास और फुल ऑल द कंट्रीज एंड ऑल द बॉर्डर्स ऑफ ईच एंड एवरी कंट्री. सो यू हैव टू रिमेंबर ओनली 30-40 कंट्रीज, जो 30-40 कंट्रीज के नाम क्वेश्चन पेपर में आए हैं,
उनको बस आपको याद रखना है. दैट इज एक्चुअली द पर्पज ऑफ एनालाइजिंग द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर. सो नेक्स्ट क्वेश्चन पेपर, क्वेश्चन नंबर 36, कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स रीजन ऑफन इन द न्यूज एंड कंट्री. तो देखो चेचन्या रशियन फेडरेशन, डारफोर रीजन रॉन्ग पेयर है माली, एंड स्वाट वैली इराक. तो ये देखो इसमें लॉजिक नहीं है, आपको मैप्स पता होना चाहिए. ये तीनों लोकेशंस है ना किसी ना किसी एनसीईआरटी में मैप में है. स्वाट वैली पाकिस्तान में आता है, तो उतना भी आपको अगर देखा होता ना वो मैप किसी हिस्ट्री के मैप में है, स्वाट वैली पाकिस्तान में है तो उतना पता है. तो अभी थ्री इज देयर इन बी सी एंड डी, एंड थ्री इलिमिनेट करके आप इमिडिएटली वन ओनली चेचन्या रशियन फेडरेशन पे टिक कर सकते हो. और दिस क्वेश्चन बिकम्स इम्पॉर्टेंट दिस ईयर बिकॉज रशियन फेडरेशन, रशिया और यूक्रेन का कुछ चल रहा है, उसमें चेचन्या वगैरह भी इन्वॉल्व है कुछ ना कुछ इशू. तो दिस बिकम्स इम्पॉर्टेंट फॉर 2022 प्रीलिम्स रशिया के बारे में. एंड डारफूर इज इन साउथ सुदान या सुदान रीजन में आता है डारफूर. वो भी एक मैप है किसी न किसी बुक में, वो डायरेक्ट मैप में है डारफूर रीजन, एंड वो वहाँ पे बड़ा सा रीजन है वो. तो इसी से आप इलिमिनेट करा के क्वेश्चंस कर सकते हैं. तो मैं क्या करता हूँ, चेचन्या मेरे नोट्स में आपको मिलेंगे कि वो व्हाट आर एक्चुअली चेचन्या, किस कंट्री में आते हैं, क्या है वो, पीपल है, कंट्री है, रीजन है, डारफूर रीजन किस कहा आता है, स्वैट वैली, मतलब कि उसके बारे में दो तीन पॉइंट में लिख लेता हूँ. और इन एडिशन इराक, माली, रशिया ये कंट्रीज कहाँ पे आते हैं वो मैं देख लेता हूँ. दैट इज एक्चुअली द पर्पज. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37, विथ रेफरेंस टू अग्नि 4 मिसाइल विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट. अग्नि 4 मिसाइल, तो अग्नि 4 को मैंने डार्क अंडरलाइन किया है. तो फर्स्ट ऑप्शन इज इट इज सरफेस टू सरफेस मिसाइल, तो अग्नि 4 की ये डेफिनेशन हो गई, राइट. तो ये डेफिनेशन है कोर डेफिनेशन, तो कोर डेफिनेशन करेक्ट ही होता है, इट इज सरफेस टू सरफेस मिसाइल. यहाँ पे उल्टा पुल्टा करके नहीं देते हैं क्योंकि ये डेफिनेशन है. सेकंड क्या है, उसमें फ्यूल कौन सा है इसके बारे में जिक्र है. सेकंड ऑप्शन इट इज फ्यूल्ड बाय लिक्विड प्रोपेलेंट्स ओनली, ओनली वर्ड आ गया तो बी एंड डी इलिमिनेट हो गया क्योंकि ओनली तो हमें मतलब कि ऐसे ही डिसाइड करना कि ओनली है तो दैट ऑप्शन इज डेफिनेटली इनकरेक्ट. तो 2 इलिमिनेट हो गया, मतलब कि बी एंड डी इलिमिनेट हो गया. बचा कौन सा, 3. अभी देखो इट कैन डिलीवर 1 ton न्यूक्लियर वार हेड अबाउट 7500 किलोमीटर अवे. आई हैव ऑलरेडी टोल्ड, जब भी 7500 या कुछ एग्जैक्ट फिगर आता है, 1 ton भी एग्जैक्ट फिगर है और 7500 किलोमीटर भी एग्जैक्ट फिगर है. तो व्हेन एग्जैक्ट फिगर इज देयर इन द ऑप्शन, दैट ऑप्शन इज रॉन्ग. तो बी सी एंड डी उसी लॉजिक पे इलिमिनेट हो गए, तो ए इज द आंसर. एंड इन एडिशन मतलब कि 1 ton एंड वो भी 7500 किलोमीटर लेके जाना, मतलब इट विल बी अ ह्यूज टास्क. 7500 किलोमीटर इज अ ह्यूज डिस्टेंस एंड 1 ton वेट इज ऑल्सो ह्यूज. सो हाउ इट इज पॉसिबल टू, मतलब कि थोड़ा ध्यान में याद लाना है कि हाँ यार इतना लंबा जाना है 7500 किलोमीटर, मतलब कि ऑलमोस्ट इंडिया के साउथ कॉर्नर से ऑलमोस्ट जाएगा कजाकिस्तान वगैरह इतना दूर, तो और वो भी 1 ton, इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट. सो उस लॉजिक से भी इसको एलिमिनेट कर सकते हैं. तो इन एडिशन मैं क्या करता हूँ, फिर सरफेस टू सरफेस मिसाइल कौन कौन से है क्या है ये मैं मेरे नोट्स में ऐड करता हूँ. अग्नि 4 मिसाइल के बारे में बाद में, अग्नि 1, 2, 3 क्या थे वो भी मैं सर्च करता हूँ. तो इस तरीके से आपको, तो अग्नि 4 के बाद अग्नि 5, 6 भी आया है क्या वो भी आपको सर्च करना पड़ता है. तो इसका आंसर हो गया ए, 1 only. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 38, विथ रेफरेंस टू 2 नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेज कॉल्ड कोलबेड मिथेन एंड शेल गैस. सी कोलबेड मिथेन एंड शेल गैस, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स. मतलब कि नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेज है, कोलबेड मिथेन क्या है, शेल गैस क्या है. तो ये थोड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है. पहले हम फर्स्ट वाला ऑप्शन देखते हैं. कोलबेड मिथेन इज अ प्योर मिथेन, प्योर यहाँ पे प्योर लिखा है, कोलबेड और प्योर, मतलब कि प्योर मिथेन नहीं होता है, गैस एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम कोल सिम्स, एक्सट्रैक्ट किया है कोल से, तो कुछ ना कुछ मिक्सचर रहेगा उसमें दूसरे गैसेस का, प्योर तो नहीं मिलेगा, राइट. इसलिए वो ऑप्शन रॉन्ग है. और व्हाइल सेल गैस इज अ मिक्सचर ऑफ प्रोपेन एंड ब्यूटेन ओनली लिखा है, यहाँ पे भी ब्यूटेन एंड प्रोपेन बोला है और ओनली लिखा है, दैट कैन बी एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम फाइन ग्रेन्ड सेडिमेंट रॉक्स. और ऊपर से फाइन ग्रेन्ड, मतलब कि कितने प्योर मिथेन ओनली,
फाइन ग्रेन, ऐसे वर्ड की वजह से ये वाला ऑप्शन रॉन्ग होता है। आपको बारीकी से सोचना है कि इतनी सारी सटीक चीजें एक ही, और ऐसे एनर्जी सोर्सेस में एनर्जी जो क्रूड क्रूड मटेरियल्स होते हैं तो उसमें प्योरिटी बाद में आती है रिफाइनरीज में, तो इसलिए वन इज रॉन्ग। सेकंड ऑप्शन, इन इंडिया अबंडेंट कोल बेड मिथेन सोर्सेस एग्जिस्ट बट सो फार नो सेल गैस सोर्स हैव बीन फाउंड। मतलब कि कोल बेड मिथेन बहुत है बट सो फार, मतलब कि अभी तक इंडिया में सेल गैस बिल्कुल नहीं है एट ऑल, मतलब कि एट ऑल एक्सट्रीम स्टेटमेंट हो गया, कहीं ना कहीं तो मिला है, इसलिए डी इज द ऑप्शन, नाइदर वन एंड नॉर टू। बिकॉज कोल बेड मिथेन है तो सेल गैस भी कहीं ना कहीं मिल ही जाएगा, मिलना है मतलब ही होगा ही, राइट। सो इसका आंसर हो गया डी, ऑप्शन नंबर डी, क्वेश्चन नंबर 38। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 39, विथ रेफरेंस टू चांगपा कम्युनिटी ऑफ इंडिया। चांगपा कम्युनिटी, तो मेरे नोट्स में चांगपा कम्युनिटी आ जाएगी, एंड इफ क्वेश्चन इज आस्क्ड रिलेटेड टू दैट इन फ्यूचर ईयर यू कैन डेफिनेटली मेक। सो इस तरीके से मेरे नोट्स रिलेट करते हैं क्वेश्चन पेपर्स को। तो ऑप्शंस देखो, फर्स्ट ऑप्शन, दे लिव मेनली इन स्टेट ऑफ उत्तराखंड, तो मेनली को भी मैंने अंडरलाइन किया डार्क, और ऊपर से उत्तराखंड, ये फैक्ट हो गया, एक्चुअल फैक्ट हो गया, एक्चुअली हिमाचल प्रदेश में आते हैं चांगपा कम्युनिटीज हिमाचल, लेकिन जानबूझ के उसके बाजू वाला स्टेट देता है यूपीएससी, मतलब कि ऐसे जैसे कि फैक्ट है ये, इसलिए वन इज रॉन्ग। तो ए एंड डी इलिमिनेट हो गया, बचा कौन सा, बी एंड सी, दोनों में थ्री ओनली इज ऑलरेडी देयर, तो थ्री को आप पढ़ो भी मत, बस टू को पढ़ के देखो, दे रियर द पाश्मीना गोट दैट यील्ड फाइन वूल। ये तो बहुत फेमस है, मतलब कि चांगपा, मतलब कि जो पाश्मीना गोट होती है ना वो फाइन वूल करती है, और वो मतलब कि एक प्रोफेशन की बात हो रही है, दैट इज नॉट द वो कहाँ रहते हैं किधर रहते हैं उस बारे में नहीं है, वो प्रोफेशन की बात है। तो प्रोफेशन के बारे में बताए तो ये मतलब कि एम्प्लॉयमेंट के बारे में बताया या है, तो ये करेक्ट स्टेटमेंट होता है, इसलिए 39 ऑप्शन बी, टू एंड थ्री ओनली इज द आंसर। देन ऑप्शन, क्वेश्चन नंबर 40, इन इंडिया क्लस्टर बीन गवार, गवार इज ट्रेडिशनली यूज एज अ वेजिटेबल और एनिमल फीड, बट रिसेंटली द कल्टिवेशन ऑफ दिस हैज एज्यूम्ड सिग्निफिकेंस व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग। मतलब कि इसका सिग्निफिकेंस क्या है, इसका बहुत ही इंपॉर्टेंस बढ़ गया है। तो द ऑयल, ए ऑप्शन क्या है, द ऑयल एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम सीड्स इज यूज इन मैन्युफैक्चर ऑफ बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक, तो बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक तो अभी तक तो नहीं हुआ है मैन्युफैक्चरिंग, इसलिए पहला वाला ऑप्शन आप इलिमिनेट कर सकते हैं। सी ऑप्शन क्या है, द लीफ एक्सट्रैक्टेड ऑफ दिस प्लांट हैज़ द प्रॉपर्टीज ऑफ एंटी हिस्टामाइन, तो ये भी देखना पड़ेगा, हम देखेंगे बाकी के ऑप्शन। इट इज़ अ सोर्स ऑफ हाई क्वालिटी बायोडीजल, देखो हाई क्वालिटी, इट इज़ अ नॉट अ हाई क्वालिटी, इट इज़ अ बायोडीजल, इट इज़ अ सोर्स ऑफ बायोडीजल, ऐसे लिखते तो ठीक था, लेकिन इट इज़ हाई क्वालिटी, मतलब कि ये थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया, हाई क्वालिटी लिखा है इसलिए। एंड बी ऑप्शन इज द गम मेड फ्रॉम इट्स सीड्स इज यूज इन एक्सट्रैक्शन ऑफ सेल गैस, देखो बस उसका यूज़ है एक्सट्रैक्शन ऑफ सेल गैस में, मतलब कि ऐसे नहीं कि उसके प्रॉपर्टीज वगैरह के बारे में नहीं दिया है, बस उसका यूज़ दिया है, मतलब कि किसी चीज़ का यूज़ दिया है तो वो करेक्ट होता है, लेकिन उसकी प्रॉपर्टीज़ वगैरह थोड़े से हमें डिफिकल्टी में डालती है। हु विल रिमेंबर द प्रॉपर्टीज ऑफ क्लस्टर बीन, एंटी हिस्टामाइन है या एंटी मलेरिक है या समहाउ, तो इसमें बस यूज़ दिया है सेल गैस का, और वो एनर्जी, मतलब कि एनर्जी सोर्स है, और पिछले वाले क्वेश्चन 38 में ही सेल गैस की बात हुई थी, तो उससे आप मतलब कि 38 में सेल गैस की बात हुई थी, तो उससे भी थोड़ा लॉजिक लगा सकते कि यूपीएससी ने यहाँ पे उस क्वेश्चन को पकड़ के पूछा है। तो इसलिए इसका आंसर हो गया बी ऑप्शन, द गम मेड फ्रॉम इट्स सीड इज यूज्ड इन द एक्सट्रैक्शन ऑफ सेल गैस। क्वेश्चन नंबर 41, विच ऑफ द फॉलोइंग हैव कोरल रिप्स, विच ऑफ द फॉलोइंग हैव कोरल रिप्स, कोरल रिप्स कहाँ कहाँ मिलते हैं वो आपको पूछा है। तो देखो, अंडमान एंड निकोबार, गल्फ ऑफ कच्छ एंड गल्फ ऑफ मन्नार, तो गल्फ, दोनों गल्फ है, टू एंड थ्री, तो दोनों गल्फ है, तो टू एंड थ्री एक साथ जिस जिसमें रहेंगे वो वाला आंसर तो होना चाहिए, तो ए एंड डी दोनों में टू एंड थ्री है, तो बी एंड सी तो एलिमिनेट हो गया। अब मैंने डी क्यों एलिमिनेट किया, सुंदरबंस जो है फोर ऑप्शन, तो सबको पता है कि वहाँ पे बंगाल टाइगर फेमस है, वहाँ पे कोरल रिप्स नहीं है, वहाँ पे मैनग्रोव है, तो उतना भी अगर पता हो, पता है आपको, तो फोर से आप एलिमिनेट कर सकते हैं डी को, एंड ए वन टू थ्री ओनली द आंसर। सो इस तरीके से आपको कुछ ना कुछ पता होता है, तो मेरे नोट्स में आपको सुंदरबन के बारे में मिलेगा कि सुंदरबन में कौन सा नेशनल पार्क, इट इज़ नेशनल पार्क, वहाँ का क्या क्या स्पेशलिटी है, कौन सी नदी बहती है, गल्फ ऑफ कच्छ कहाँ आता है, गल्फ ऑफ मन्नार कहाँ आता है, अंडमान निकोबार के बारे में भी मेरे नोट्स में मिलेगा। तो इस तरीके से मेरे नोट्स में आपको सारे पॉइंट्स मिल जाते हैं, तो इसका आंसर है ए वन टू एंड थ्री ओनली।
Question number 42. In India, the problem of soil erosion is associated with which of the following? Problem of soil erosion is associated with in which of the following? तो soil erosion क्यों होता है इंडिया में? देखो third वाला option है tropical climate. तो ये तो wrong है. Tropical climate की वजह से अगर soil erosion होता तो फिर दिक्कत थी, मतलब कि ट्रॉपिकल क्लाइमेट में फिर अब तक तो पूरी सॉइल इरोजन हो चुकी होती. इसलिए थ्री इज रॉन्ग. इसलिए सी एंड डी को मैंने एलिमिनेट कर दिया. टेरेस कल्टीवेशन इज आल्सो नॉट द रीजन. टेरेस कल्टीवेशन से एक्चुअली सॉइल कंजर्व होती है. तो बचा कौन सा? डिफॉरेस्ट्रेशन. तो मतलब कि पेड़ को तोड़ने से सॉइल का इरोजन होता है. इसलिए बी टू ओनली इज द आंसर. 42 का आंसर है टू ओनली, बिकॉज डिफॉरेस्ट्रेशन से सॉइल इरोजन होता है. 43. द सीजनल रिवर्सल ऑफ विंड इज टिपिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ. देखो ये तो मानसून के बारे में, सीजनल रिवर्सल ऑफ विंड होता है टिपिकल कैरेक्टरिस्टिक. ये आपको पता होना चाहिए कि ऑल ऑफ द अबो तो नहीं हो सकता, सबका एक साथ नहीं हो सकता है कैरेक्टरिस्टिक की सीजनल रिवर्सल ऑफ विंड. तो मानसून क्लाइमेट इसका आंसर है. मेडिटेरियन इक्वेटोरियल, तो इसमें लॉजिक कुछ नहीं है, बस हमें मानसून के बारे में पता होता है. तो मेरे नोट्स में मानसून के बारे में, मेडिटेरियन क्लाइमेट के बारे में, इक्वेटोरियल, ट्रॉपिकल, सब ट्रॉपिकल, सारे क्लाइमेट के सवाना वगैरह मतलब कि क्लाइमेट्स के बारे में आपको मेंशन मिलेगा. तो इसका आंसर है मानसून क्लाइमेट. इसके बारे में कोई लॉजिक नहीं है, आइदर यू नो इट और यू डोंट नो इट, ऐसा टाइप का क्वेश्चन है. सॉरी. With reference to the cultural history of India, the term panchayatan refers to. तो देखो यहाँ पे panchayatan, हाँ ये मुझे थोड़ा नया समझ में आएगा, कुछ ऐसे दिखा सकते शायद. तो with reference to cultural history of India, the term panchayatan refers to. Panchayatan क्या है? तो ये भी एक straight forward definition है. It is a style of temple construction. यहाँ पे भी देखो panchayatan terms आते हैं. तो मेरे नोट्स में आपको सारे आर्ट एंड कल्चर के टर्म्स मिलेंगे, आर्ट एंड कल्चर के नोट्स में भी मिलेंगे और कुछ कुछ जनरल स्टडीज़ के नोट्स में भी आपको मिल जाएंगे. तो इट इज़ अ स्टाइल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर. तो ये पंचायतन आपको मिल जाएगा मेरे आर्ट एंड कल्चर के नोट्स में. तो प्लीज़ आर्ट एंड कल्चर के नोट्स भी अच्छे हैं, आप जरूर प्रीलिम्स के लिए भी रेफर कर सकते हो और मेंस के लिए भी वही नोट्स सफिशियंट है. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 45. कंसिडर द फॉलोइंग रिवर्स. देखो रिवर्स के बारे में क्वेश्चन है. विच ऑफ द फॉलोइंग फ्लो थ्रू द अरुणाचल प्रदेश. ये भी आंसर आपको आइदर नो इट और डोंट नो इट, टू एंड थ्री ओनली इज द आंसर, लोहित एंड सुबनसिरी. लेकिन अब क्या करना है, बराक रिवर कहाँ से, बराक रिवर के बारे में, लोहित रिवर के बारे में, सुबनसिरी रिवर के बारे में आपके पास कुछ ना कुछ जानकारी चाहिए. तो ये मेरे नोट्स में आपको मिलेगा. तो इस तरीके से मतलब कि ये आइदर यू डोंट नो और नो टाइप क्वेश्चन है. लेकिन जब भी क्वेश्चन ऑलरेडी आया, मतलब कि दैट इज ऑलरेडी इन द डेटा बुक ऑफ UPSC, तो यू हैव टू नो अबाउट इट समथिंग. तो इसलिए बराक रिवर, लोहित रिवर, सुबनसिरी रिवर आपको मेरे नोट्स में मिलेंगे. इसलिए मेरे नोट्स से क्वेश्चन डायरेक्टली आते हैं, दैट इज द सीक्रेट. तो लास्ट क्वेश्चन इन दिस वीडियो, क्वेश्चन नंबर 46. कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स, वेटलैंड्स एंड कन्फ्लुएंस ऑफ रिवर्स. देखो मैंने ऑलरेडी बोला है, जब भी ऑप्शन में ऑब्लिक आता है ना, ऑब्लिक, तो देखो सतलज ऑब्लिक सुतलज मतलब कि उसी रिवर का ऑब्लिक नाम है. तो उसको मैंने डार्क ब्लैक पेन से अंडरलाइन किया है, वो स्टेटमेंट करेक्ट हो जाता है. इसलिए वन इज डेफिनेटली करेक्ट, हरिके वेटलैंड, सतलज रिवर. बाद में केवलाडी और घना नेशनल पार्क. देखो ये आपको पता होना चाहिए, इट इज यहाँ पे दिया है कि कन्फ्लुएंस ऑफ बानस एंड चंबल रिवर. तो ये नहीं है, वहाँ पे कुछ मतलब कि कुछ अलग ही है. तो ये नहीं है इसलिए, लेकिन यू हैव टू नो इट, यहाँ पे कोई लॉजिक नहीं वर्क करता है. लेकिन केवलाडी और घना नेशनल पार्क इन राजस्थान, तो केवलाडी और घना नेशनल पार्क के बारे में मैंने बहुत कुछ मतलब कि लिखा है, वहाँ पे कौन कौन से प्राणी पक्षी मिलते हैं. बाद में बानस रिवर कहाँ है, चंबल रिवर कहाँ है, किसकी ट्रिब्यूटरी है, सारी चीज़ें आपको नोट्स में मिल जाती है. एंड कोल्लेरू लेक कहाँ है, तो मुसी एंड कृष्णा रिवर के कॉन्फ्लुएंस पे, ऐसा उन्होंने बोला है. लेकिन इट इज़ नॉट देयर, इट इज़ बिटवीन द गोदावरी एंड कृष्णा रिवर. तो ये भी हो गया. तो और ये मैप्स में भी आता है, मतलब कि NCERT में कहीं ना कहीं कोल्लेरू लेक है. कोल्लेरू लेक भी पता होता ना आपको, इट इज़ नॉट एट द कन्फ्लुएंस ऑफ मुसी एंड कृष्णा, इट इज़ इन बिटवीन, नॉट एट द कन्फ्लुएंस बट बिटवीन द कृष्णा एंड गोदावरी रिवर के बीच के एरिया में वो कोल्लेरू लेक है, वो कन्फ्लुएंस पे नहीं है. उतना भी आपको अगर वो NCERT पढ़ के पता होता तो आप तीन जिसमें इलिमिनेट करके BCD इलिमिनेट करते
एंड वन ओनली इज द आंसर। बट कुछ कुछ क्वेश्चंस के लिए आपको लॉजिक नहीं वर्क करता है, इसलिए आपको नोट्स बनाने पड़ते हैं, जैसे मैंने बनाए हर एक टॉपिक के, हर एक वर्ड के। तो इसलिए मेरे जीएस के नोट्स में आपको हर बराक, लोहित, सुबनसिरी, बानस, चंबल, सतलज, ऑल द रिवर्स मतलब कि कवर हो जाएंगे। तो इस तरीके से नोट्स वर्क करते हैं। सो इस वीडियो में बस इतने ही क्वेश्चन कवर करते हैं, एंड थैंक यू फॉर योर अटेंशन। थैंक यू।